हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वॉल्यूम सेकेंड ऑफ चैप्टर नंबर 16, ब्रिटिश राज एंड बियॉन्ड. सो स्टूडेंट्स, आई मिस द वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग ऑल द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द सेकेंड वॉल्यूम. ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो ग्रेट वॉल ऑफ 1857 अब स्टार्ट हुआ. और स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉट ओनली द इंडियन रूलर्स बट द कॉमन मासेस आल्सो स्टार्टिंग डेवलपिंग डिसकंटेंट अगेंस्ट द ट्रायनिकल रूल ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिशर स्टूडेंट्स बहुत ही सता रहे थे, बहुत ही प्रोसिक्यूशन कर रहे थे इंडियंस को. तो छोटे छोटे ग्रुप्स भी, बहुत सारे कॉमन मासेस के जनरल पब्लिक भी जो है रिबेल करने लगी, उनके अगेंस्ट में होने लगी. ठीक है, और उसके बाद डिसकंटेंट लेड टू द ग्रेट रिवॉल ऑफ 1857. तो ये कंटेंटमेंट जो थी, असंतुष्टि, इसी ने ग्रेट रिवॉल ऑफ 1857 को, इस लड़ाई को जन्म दिया. द मेन रीजन्स ऑफ रिवॉल्ट आर एज फॉलोज. इसकी क्या क्या वजह थी, ओके लेट्स सी. तो फर्स्ट टॉपिक है फार्मर्स, सेकेंड आर्टिसंस और थर्ड है इंडियन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. इन सबको स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स के सताव का सामना करना पड़ा. ठीक है, द फार्मर्स वर ग्रेटली ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. फार्मर्स बहुत ज़्यादा सताव के साथ जा रहे थे. दे लेविड हैवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स एंड डिड नॉट गिव एनी रिलीफ इवन इन द केस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. वो भारी भारी कर लगाते थे और सूखे और बाढ़ के केस में भी जब होता था तो उनको रिलीफ नहीं देते थे, उतने ही टैक्स उस समय में भी वो देना होता था उनको. द फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप सच एज कॉटन एंड इंडिगो. वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो इंडस्ट्रियल क्रॉप ग्रो करें, कॉटन एंड इंडिगो, न कि कैश क्रॉप्स और जो है फील्ड के क्रॉप्स जो हैं, ग्रेन्स और पल्सेस और वेजिटेबल्स, इनको ना ग्रो करके कॉटन एंड इंडिगो को ग्रो करने के लिए इनको फोर्स किया जाता था. लीडिंग टू सीवियर फेमाइंस ड्यू टू लैक ऑफ स्टेपल क्रॉप्स. क्योंकि स्टेपल क्रॉप्स नहीं होते थे, फसल जो है अनाज के फसल ज़्यादा नहीं होते थे, तो इसीलिए उनकी जो फसल होती थी वो भी ख़राब हो जाती थी, क्योंकि बार बार वो यही उगा रहे थे. ठीक है, तो ब्रिटिश वर फोर्स द फार्मर्स टू सेल दीज क्रॉप्स एट वेरी लो प्राइसेस. और जब ये उगाते भी थे इनको, तो इनको कहा जाता था कि ये इनको बहुत कम दामों पे बेचें, और इस चीज़ ने इनको बहुत ही गरीब कर दिया. ठीक है, उनके पास कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट नहीं रहता था. सेकेंड है आर्टिसंस को इन्होंने भी नहीं छोड़ा. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्ट करते थे, जो भी व्यापार करते थे अपने छोटे छोटे व्यवसाय से, और जो भी छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी होती थी, इनको भी ये जो है बहुत ही ओप्रेस करते थे. इन्होंने ये इनसे चीप मटेरियल्स खरीदते थे. ठीक है, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जो है इनसे खरीदते थे पहले बहुत कम दामों में, उसके बाद इसको प्रोसेस करते थे बहुत अब कम दामों में जाकर इंग्लैंड में, और फिर जब वापस लेके आते थे इसको इंडिया में, तो उसको बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन पे इन्होंने इसको सेल करने लगे. तो ये तो होने लगा कि कच्चा माल हमारे यहाँ से लेके गए, मेन और रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से लेके गए, और उसके बाद इनको इंडिया में फिर से वही हाई प्रॉफिट पे सेल करने लगे, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी. दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स विच मेड देम कॉस्टलियर. इंडियन गुड्स पे भी हैवी टैक्स लगाने लगे स्टूडेंट्स. ओके, दिस पॉलिसी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द वीवर्स एंड अदर आर्टिसंस ऑफ इंडिया. जो भी आर्टिसंस होते, जो अपने कला से जो काम करते थे, जो वीवर्स थे, जो बुनाई और सिलाई का काम करते थे, ओके, तो ये सब इनको बहुत सफरिंग में जाना पड़ा. ओके, द इंडियन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो डिलिबरेटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस. तो हर चीज़ों पे ब्रिटिशर्स टैक्स लगा रहे थे. ओके, कि वो आपको कुछ भी करना हो आपको टैक्स देना होगा, उसका कर देना होगा. तो ये बहुत सी समस्याओं को उसने जन्म दिया. इंडस्ट्री केस ऑल्सो, जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनको भी इसका सामना करना पड़ा. ओके, सो ओनली प्रॉफिटेबल आइटम्स ऑफ ट्रेड वर अलाउड टू बी ट्रेडेड बाय द इंडियंस. सिर्फ जो नॉन प्रॉफिट आइटम्स हैं सिर्फ उनको ही अलाउ किया गया कि वो उसको ट्रेड करें. तो उसमें प्रॉफिट स्टूडेंट्स नहीं मिलता. तो इस तरह से इंडिया से धीरे धीरे स्टूडेंट्स, जो टैक्सेशन का ये जो सिस्टम निकला, इसकी वजह से इंडिया और भी पुअर होता जा रहा था, और भी गरीब होता जा रहा था.
ओके. द इंडियन मार्केट वॉज कम्प्लीटली मोनोपोलाइज्ड बाय द ब्रिटिश. पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन के मार्केट को अपने कब्जे में कर लिया. ओके. दूसरे कॉजेज थे रिलीजियस कॉजेज. तो द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू कन्वर्ट द मेजोरिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टू क्रिश्चियनिटी. तो ज़बरदस्ती हिंदू और मुसलमानों को ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने लगे. ठीक है, कन्वर्ट करना चाहते थे. ठीक है, अंडर इट सो कॉल्ड सिविलाइजिंग मिशन. ठीक है, इनको जो अपने सो कॉल्ड सिविलाइजिंग मिशन थे, जो भी ये नागरिकता अपनी भारतीय के ले रहे थे और ये इंडिया में रह रहे थे कि इंडिया को हम बढ़ाएंगे करेंगे तो रूल करेंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे, उसी के नाम पर इन्होंने बहुत सारे तकलीफ़ें इंडिया को, इंडियन पीपल को दे दी हैं. ठीक है, ये कहते तो थे कि हम इंडिया में आएंगे और बहुत अच्छे से चीज़ें करेंगे, और इनका कहना और करना बिल्कुल अलग अलग होता था. ठीक है, तो दिस वॉज सीन बाय द इंडियंस एन एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट टू देयर रिलीजियस सेंटीमेंट्स. तो ये एक बहुत ही धार्मिक आस्था पर एक तरह से चोट की तरह थी, और ये बहुत ही बेइज्जती की बात थी कि इन्होंने ऐसा किया, और उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ता था, बहुत लोगों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता था. इट स्टार्टेड जनरेटिंग एंगर अमंग द कॉमन पीपल. कॉमन पब्लिक पीपल पे ये बहुत ही बहुत लोगों के अंदर क्रोध और आग का जन्म देने लगा. ठीक है, मिलिट्री कॉजेस. तो मिलिट्री कॉजेज भी थे, मतलब राजा महाराजा से भी बहुत सारी चीज़ें थी इनकी. आइए पढ़ते हैं इनको भी. द इंडियन मैन इन द ब्रिटिश आर्मी वर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द ब्रिटिश. जो इंडियन होते थे जो ब्रिटिश आर्मी में वर्क करते थे, इनको ब्रिटिशर्स देखते थे और इनको इनके साथ पार्शियलिटी करते थे, यानी कि पक्षपात करते थे. दे वर पेड लेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन एवरी वे. तो इंडियन होने के बाद जितना भी वो सेवा करते थे, ब्रिटिशर्स की सर्व करते थे उनको, फिर भी उनको उनको जो है इंडियन होने के नाते उसकी वजह से उनको कम दिया भी जाता था और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता हर तरीके से. दिस सो द सीड ऑफ रिजेंटमेंट इन देम. इसी ने उनके अंदर एक क्रोध की भावना, एक बैर की भावना उनके अंदर उत्पन्न करने लगी. बाय द मिड सेंचुरी, मिड 19th century. ठीक है, मिड 19th century में मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज रेडी टू रेज द बैनर ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन. तो मिडिल सेंचुरी में ही, 19th century के मिडिल में ही, मतलब 1950 के करीब 19th century में जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग थे, उत्तरी भारत, ये बैनर के लिए प्रोटेस्ट करने लगे. ओके, कि ब्रिटिश के ऑपरेशंस को हम नहीं सह सकते हैं. सम इंडियन रूलर लाइक नाना साहेब, तांतियाटोप, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल यूनाइटेड अंडर द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर इन देयर एज देयर लीडर. तो अगर रानी लक्ष्मीबाई लीडर रहती तो ज़रूर था कि ये जीत जाते, पर उस समय मुगल एम्परर फिर भी चल रहा था, और लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर था, जो कि एक वीक लीडर था स्टूडेंट्स, और सब के सब यूनाइट हुए. और बहादुर शाह जफर वीक होने की वजह से आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे बहादुर शाह जफर एक बहुत बड़ा कॉज था कि इंडिया जीत नहीं पाई. ओके, और इंडियंस को यूनाइट करने में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं. इन्होंने तांतिया टोप के साथ मिलकर बहुत ही रिबेल किया, और बहुत ही बार इन्होंने ब्रिटिशर्स के नाक में दम किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस तरह से हमको ऑपरेस कर रहे थे हर चीज़ों में, और वो सहे जा रहे थे. बट लास्टली ये ऐसा हुआ कि ये फोर मेन लीडर्स जो थे इंडियन के, ये यूनाइट हुए कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे. ओके, दीज आर नाना साहेब, तात्या टोप, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल. ओके, नेक्स्ट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट. इस जंग की जो है इमीडिएट कॉज क्या थी कि ये तुरंत हो गया, धीरे धीरे लोगों के अंदर आग भड़क रही थी. ओके, तो इसका जो इमीडिएट कॉज था वो ये है कि द रिवॉल्ट ऑफ 87 ब्रोक आउट एट द मिलिट्री कैंप एट मेरठ. ओके, द ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कार्ट्रिज फॉर देयर राइफल्स कॉल्ड इनफील्ड. तो इन्होंने बंदूकों के लिए अपने एक न्यू कार्ट्रिज और राइफल्स को इनॉग्रेट किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहा जाता है इनफील्ड. Rumors spread that these foils were that these bullets were wrapped in foils greased with cow fat and pig fat.
तो ये जो उनके कार्टर स्टूडेंट्स होते थे, ये ग्रीस होते थे काउ फैट या पिग फैट से। तो दिस फॉयल नीडेड टू बी टोन बाय माउथ टू रिफिल द राइफल्स। तो राइफल को भरने के लिए, फिल्स करने के लिए इनको, इसको अपने मुंह से ही पहले फाड़ना होता था। तो इसमें काउ फैट और पिक फैट था। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज वेरी वेरी बैक स्टैबिंग, ओके, एक ठोकर का कारण थी। टीयरिंग फॉइल्स ऑफ काउ फैट एंड पिक फैट बाय माउथ अमाउंटेड टू बी एट एन अटैक ऑन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, ओके। हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए धार्मिक आस्था पे इनके चोट थी और ये इनको नहीं करना चाहते थे और इन पर बहुत बड़ा अटैक था ये। द इंडियन सोल्जर रिफ्यूज टू यूज़ दिस बुलेट्स। तो जो इंडियन सोल्जर्स होते थे, इन्होंने इस बुलेट को यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया। एंड ऑन बीइंग प्रेशराइज्ड सोल्जर्स रिवोल्टेड एंड स्टार्टेड अ म्यूटिनी। तो ये प्रेशराइज किया जाता था इसके लिए और सोल्जर्स ने इसके लिए एक म्यूटिनी स्टार्ट की, ठीक है, रिवोल्ट स्टार्ट किया। दैट इज़ वाई दिस रिवोल्ट इज़ नोन एज द सीपॉय म्यूटिनी। तो इसी रिवॉल्ट को इस सीपॉय म्यूटिनी कहा जाता था, ओके। नेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट। द रिवॉल्ट स्प्रेड वेरी फास्ट टू अ ग्रेट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड देन थ्रू सेल्टर्न इंडिया। तो उत्तरी भारत से होते हुए मध्य भारत में ये रिवॉल्ट बहुत तेज़ी से फैला। अनफॉर्चुनेटली इट कॉन नॉट बिकम सक्सेसफुल एंड इट वॉज सप्रेस ड्यूरेटली बाय द ट्रेन ब्रिटिश आर्मी। तो इंडियंस बहुत ट्रेन नहीं थे और बहुत काबिल नहीं थे, इसलिए नाकाम रहे ब्रिटिशर्स को हराने में। बहादुर शाह जफर द प्रोक्लेम लीडर ऑफ द स्ट्रगल वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सडाइल टू रंगून इन द प्रेजेंट डे म्यांमार। तो इसी वजह से जो बहादुर शाह जफर जो लास्ट लीडर था उसको पकड़ लिया गया और रंगून प्रेजेंट डे म्यांमार में भेज दिया गया, ओके। तो ही वॉज अ वीक लीडर, सो दैट्स वाई मैनी थिंग्स गॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अदर फाइटिंग रॉयल्स लाइक नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि ये फाइटिंग रॉयल्स थे, इनको कहा जाता है कि बहुत अच्छा लड़ते थे, इन्होंने बहुत हद तक अपने लिए लड़ा और पर ये स्ट्रगल में मारे गए, 1857 के रिवॉल्ट में मारे गए। और इनकी बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं कि कैसे ये मारे गए थे। द लोकल पीपल लाइक पीजेंट्स, हर्डिंग ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स एंड बकर वालाज एक्सेट्रा हु पार्टिसिपेटेड इन द म्यूटिनी वॉज ऑल्सो ब्रूटली पनिश्ड और किल्ड। तो ये म्यूटिनी की वजह से तो स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद गुज्जर्स एंड बकरवालाज जो थे ये भी इनमें मारे गए, ठीक है, जो कि कॉमन हर्डिंग ट्राइब्स थे। इन्होंने भी रिवॉल्ट किया था क्योंकि इनके भी धार्मिक आस्था पर बहुत बड़ी चोट थी, ठीक है। फिर लास्ट है, सेकेंड लास्ट आई थिंक है, रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट क्यों फेल हो गया? सबसे बड़ा स्टूडेंट्स कारण था कि इंडिया एक तरीके से पूरा यूनाइट नहीं था। तो फर्स्ट टॉपिक है लैक ऑफ यूनिटी अमंग द रिबल फोर्सेस वाज अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिविजुअल गेन्स एंड डिड नॉट रिलेट कम्प्लीटली टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज अ होल। कि पूरी तरीके से भारत एक साथ मिलकर अगर लड़ता और यूनाइटेड रहता तो कभी इंडियंस हार नहीं सकते थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग दे वर, इफ़ दे वुड हैव बीन यूनाइटेड इवन इफ़ द फोर्सेस वर कम वर लेस, कि उनके पास हथियार नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, पर एक साथ यूनाइट होके एक बार में लड़ते तो ज़रूर ब्रिटिशर्स हार जाते, ओके। तो अलग अलग करके अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए इंडिया जीत नहीं पाया। फिर वीक लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एक वीक लीडर था और ये बहुत बड़ा रीज़न था कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज नॉट एबल टू यूनाइट ऑल द रिबल्स अंडर वन फ्लैग एंड कुड नॉट इंस्पायर देम टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्राम द ब्रिटिश रूल। इन लोगों को इंस्पायर भी नहीं कर सका वो, क्योंकि भारत की आज़ादी पूरी तरीके से हो। थर्ड इज लास्ट लैक ऑफ डिसिप्लिन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द रिवॉल्ट फेलियर। तो अनुशासन की कमी, मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो भी नहीं थी, कि एज अ सोल्जर एज अ मिलिट्री कैंप लोग ट्रेनिंग उस तरह से करते हैं कि उनको उनको हराना है। और सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट, उनके पास इतने हथियार नहीं थे, बंदूक नहीं थे, ज़्यादातर राजाओं के पास और लोगों के पास हथियार के लिए सिर्फ तलवारें थीं। तो एक तलवार चलाने जाता तो उसको तुरंत गोली लग जाती थी। तो इस रीज़न से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बहुत बुरी तरीके से हराया, ठीक है।
तो इंडियन रिबल्स वर इल ट्रेन्ड एंड इल इक्विप्ड अगेंस्ट द ट्रेंड ब्रिटिश आर्मी एंड सो दे वर क्रश इजली, तो इजली उनके लिए उन्होंने उनको हरा दिया, मार दिया। फिर लास्ट है रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस रिवॉल्ट का रीज़न क्या था? द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ द रिवॉल्ट डिड नॉट गो इन वेन, तो ये लड़ाई हुई, ये रिवॉल्ट हुआ तो ये व्यर्थ नहीं गया। ओके तो ये दर्द और यातनाएं जो इंडियंस ने सही, ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ? द रिवॉल्ट वॉज टेकन एज अ फेलियर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू गवर्न अ होल कंट्री। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को का एक्सेस ख़त्म हो गया कि वो पूरे भारत को एक साथ रूल कर सके। ठीक है, द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रूल इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडिया को रूल करने की, वो ब्रिटिश क्राउन पे आके टिक गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर उसके बाद बंद हो गई। द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स ऑफ द इंडियंस। तो ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया, राजाओं ने, रानियों ने, क्वीन विक्टोरिया एंड क्वीन एलिजाबेथ वॉज देयर हु डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर विद सोशल बिलीफ्स, ओके, कि धार्मिक आस्था से और सोशल बिलीफ से इंडियंस को ठेस न पहुँचाए। द रिवॉल्ट सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म इन द हार्ट ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज एंड गेव देम होप दैट द ब्रिटिश वर नॉट अनबीटेबल। तो इस रिवॉल्ट ने, इस लड़ाई ने भारतीयों के दिल में एक बीज बोया और एक देशभक्ति का बीज बोया कि वो नए नए इंडियन रिवॉल्यूशनरीज को जन्म दें, और इस होप से, इस आशा से कि ब्रिटिश जो है ये इस तरह से आसानी से हराए नहीं जा सकते। दिस इंस्पिरेशन इज वॉट लेटर ब्रॉट ऑन अ मेजर एजिटेशन इन द शेप ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो इसी इंस्पिरेशन ने आगे जाके एक नया रूप लिया, एक नया मेजर एजिटेशन बना जिसको हम कहते हैं द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्टूडेंट्स यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट वॉल्यूम, ओके, इट इज़ योर चैप्टर नंबर 17 विच इज़ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। सो ऑल्सो सी दिस वन, ओके, आई एम गोइंग टू शो यू द एक्सरसाइजेज राइट नाउ, ओके, यू कैन सी exercises, you can stop the video and see. So these question answer students I will be given in the homework section, you have to complete that in your copy, okay, this is very important for you, so students you have to complete this, okay, so thank you all of you, have a nice day.